दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम पिछले एपिसोड में देखे थे कि जो एक मिस्टीरियस बंदा होता है जो कहानी सुना रहा होता है उसको मनी देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एक सीन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत माउंटेन्स पे चढ़कर छिपते पे जा रही होती। एक्चुअली में इसका अभी नाम नहीं बताया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये यू की मास्टर है जो उसे ढूंढने के लिए आई है और ये उसे ढूंढ रही होती है। फिर एक पुल दिखाई देता है जिसे वो पार कर रही होती है। फिर ये बताती है कि ये याओ यिन जो है बहुत सालों से गायब हो चुका है, इसलिए मैं उसे खोज रही हूँ और मैं उसे फोर्स कर दूँगी अपने को खोजने के लिए। फिर एक चलते चलते एक फॉर्मेशन पे टच हो जाता है, जिसके वजह से एक फॉर्मेशन में वो फंस जाती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, फिर निकल नहीं पाती है। फिर ये दिखाया जाए कि ये क्या है, ये मेरे पावर को सप्रेस कर रहा है, मतलब कि दबा रहा है। मैंने सोचा था तुम यूई को जानती हो, ये उसे गाली देते हुए कह रहता है। फिर ये कहता है कि मैंने ये मैजिकल फॉर्मेशन स्पेशली कैप्चर करने के लिए यू को लगाया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आ जाओगे सिस्टर एल्डर सीटू। एक्चुअल में इस मास्टर का नाम सीटू है जो यूवी की मास्टर है। फिर ये जो बंदा है इसका नाम रूगा हुआ है। फिर सिस्टू एल्डर सिस्टू इसे देखती हैं तो कहती हैं उगाओ। फिर ये उगाओ कहता है कि यू इज एक वांटेड क्रिमिनल है क्वीन घान डायनेस्टी का, और ये एक रॉयल कोर्ट के द्वारा रॉयल कोर्ट फैमिली के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यू सिस्टर एल्डर सिस्टर तुम क्या मेरे बेटी से शादी करना चाहती हो जो उसका नाम है वुजियान नाम है, और तुम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से इस जगह पर रह सकती हो। फिर एल्डर सिस्टर उस फार्मेसर को तोड़ने की कोशिश करती है और उस फार्मेसर को तोड़ देती है, और फिर कहती है कि तुम कमीने, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे डिसिपल को मार सकते हो। ये रॉयल एकेडमी है और तुम्हें ये सब रॉयल एकेडमी के नाम से मैं ये करने नहीं दूँगा, ये तुम्हें आज ख़त्म कर दूँगी, अभी तुम्हें मैं आज मार दूँगी। फिर वो गाँव कहता है कि तुम मुझे मार दोगी, चलो देखते हैं। फिर ये अपना अटैक प्रिपेयर करता है और सिस्टर सीटू का गला पकड़ लेता है, और उस जिसके वजह से एल्डर सिस्टू का तलवार उसके हाथों से छूट जाता है। फिर ये बोलता है कि जो मैजिकल फॉर्मेशन है ये तीन लेवल का है, और जो तुम हो तुम्हारा मिड टायर फाइटर हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे मारने की, क्या तुम मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। फिर सिस्टर सिटू कहती कि तो क्या तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर दिखाया जाता है कि फिर
भोगाव कहता है कि तुम मेरे रास्तों में आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर भोगाव उसे गले से जोर से दबाता है, दबाने लगता है। और फिर सिस्टर सीटू दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर एक ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को टच करने की। एक्चुअल में यू ही ऊपर से आ रहा होता है उड़ते हुए। फिर एक रोशनी आती है और ये रोशनी वो गाँव और सिस्टर सिस्टर्स के बीच से होकर जाती है। वो गाँव उसको रोशनी को इस अटैक को डॉच कर लेता है और वहाँ से दूर चला जाता है। इस अटैक की वजह से नीचे का जो ज़मीन है एकदम टूट उठ जाता है। वो गाँव ये देख कर शॉक हो जाता है। फिर यूयू को दिखाया जाता है जिसे मास्टर को अपने गोद में पकड़ा होता है और उसके पंख भी होते हैं। फिर उसकी मास्टर उसे कहते कि यूयू तुम हो। फिर यूयू उसको देखता है फिर मुस्कुराता है। फिर यूयू कहता है कि ऐसी तुम भूगाव कहता है कि यू तुम बहुत सालों से गायब हो गए हो और वापस लौटे हो, तुम बहुत ही प्रोग्रेस कर चुके हो, लेकिन मैं आज रात तुम्हें मार दूंगा। फिर यू कहता है कि तुम बहुत ही दिक्कत में हो भूगाव, इसलिए तुम बहुत सालों से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं आज तुम्हें सब चीज़ों को आज रात का पे कर दूंगा, आज ही रात में। फिर वो गाँव एक अटैक को प्रिपेयर करता है और सीधे अपने तरह शॉट लेकर यू के अटैक करने के लिए जाता है। फिर ये देखकर यू उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर उसे एक जोरदार पंच वो गाँव को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से यू गाँव एक गिरते गिरते ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिसके वजह से उसे बहुत ही चोट लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। फिर यू ही कहता है कि नीचे गिरने पे कैसा लगा तुम्हें। फिर यू का अपने मन में सोचता है और कहता है कि यू क्या ये यू ही है जिसे मैं जानता था, ये तो पहले की तरह नहीं है, इसका पावर भी बढ़ चुका है और इस पहले की तरह ये बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा ताकतवर हुआ है, इसलिए ये यही समय है इसने अटैक लॉन्च करने का। फिर एक कुछ ऐसी कुछ नौकेली सी चीज़ बाहर निकालता है, लेकिन उससे पहले ही यू इसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से वो गाँव एक माउंटेन से जाकर टकराता है और वो गाँव को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उससे देखा जाए तो उसके मुंह से खून आ रहा होता है और उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर यू उसे मारने की कोशिश करता है, तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि आज सब चीज़ों के लिए तुम्हें पे करना होगा। फिर वो गाँव कहता है कि रुको, तुम अपनी मदर और डीमन फोक्स के बारे में नहीं सोचोगे क्या। फिर उसकी मास्टर उसे कहती है कि तुम उसे मत छोड़ना, उसे मार दो। फिर एक बूम सा धमाका दिखाई देता है। फिर बाद में पता चलता है कि यूवी ने वो के बगल में माउंटेन पे पंच बनाकर मारा था पर उसे छोड़ दिया था और उसके एक पंच से माउंटेन का पूरा टूट जाता है। और फिर योगा इसे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि ये मैसेज मुझे तुम्हें पास करना था कि तुम्हारी मदर और जो डीमन फोक्स है और जो तुम्हारे दो भाई है तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारी फैमिली वापस आने के लिए।
फिर इसे देखकर यूई बहुत गुस्सा हो जाता है और वुकाओ को एक जोरदार पंच मारता है उसके चेहरे पे, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर यू कहता है कि क्या तुम इसके बारे में केयर कर रहे हो, तुम सोचना भी मत। फिर युवा एफ एक जोरदार पंच मारता है वुकाओ को, फिर यूई कहता है कि तुम कोई भी प्लान बनाने की सोच रहे हो, तुम इससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर वुकाओ कहता है कि इस सभी के लिए तुम रिग्रेट करोगे, मेरी बहुत लंबी फैमिली है जो तुम्हें मार डालेगी। बस इतना ही दोस्तों, अगर मेरी ये दूसरी वीडियो है, मैं एक्चुअली नया हूँ और रिकैप कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, धन्यवाद।